दोस्तों चल रहा हूँ फिल्म देखने। मैं हूँ इस समय लखनऊ के गोमती नगर वेब सिनेमा के पास हूँ। जो फिल्म लगी है मैं अपने मित्र अमन से पूछता हूँ कौन सी फिल्म है। बाजार बाजार में ही हम लोग हैं और बाजार फिल्म देखने जा रहे हैं। यह दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में हम लोग खड़े हैं। विचित्र बाजार है, अपने अपने ढंग का लोग माल खरीदते हैं। यद्यपि हमने जीवन में लगभग एक दर्जन फिल्में ही देखा है, कभी एकाग्रता नहीं हो पाई, भाग दौड़ और इसके जीवन में देख नहीं पाया। जहाँ तक भारतीय फिल्मों का इतिहास है, यह 100 साल भारतीय फिल्मों ने पूरा कर लिया है। सबसे पहले बम्बई, वर्तमान नाम मुंबई और कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई। जो उस समय की तकनीक थी वह इतनी विकसित नहीं थी, बोलते नहीं थे लोग, केवल हाव भाव मूक रूप से संवेदित होते थे और उस समय प्रचलन था, लोग देखते थे। बाद में भारतीय सिनेमा ने काफ़ी प्रगति किया, 100 साल यशस्वी रूप से पूरा किया। पहले टाकीज हुआ करते थे, पढ़ाई के समय में एक बार इंटरमीडिएट में थे तो चोरी से फिल्म देखने गए थे, घर के डर से, बच्चे भी डरते थे कोई टाकीज में न देख ले, इसकी भी इसका भी डर समाया रहता था और बड़ी मार खाते थे। जिन बच्चों के बारे में पता लग गया था, लग जाता था कि स्कूल छोड़ करके गए थे सिनेमा देखने, तो इसको बहुत बुरा माना जाता था। हमारे शादी में एक टेलीविज़न मिल गया था, तो बाद में रामचरितमानस उस पर आता था, रामायण, तो उसको देखने की भीड़ हो जाती थी। बाद में कलर टीवी आ गया और अब तो मोबाइल है। कितना तेज़ी से जीवन बदल रहा है। वैसे मैं इस बात का, इस मान्यता का पोषक हूँ कि यदा कदा टाकीज में बैठकर, अब टाकीज भी ख़त्म हो गई, बहुत कम रह गई है, लोगों ने उसे होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया, मॉल बना दिया, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ तमाम जो भी टाकीज थी, सिनेमा हॉल थे, वह सब ख़त्म हो गए और अब एक ही छत के नीचे आपको अच्छे नाश्ता और अन्य जो भी सामान है वो आप खरीद सकते हैं, आएंगे और ऐसे देखना। तो लोग टाकीज के माध्यम से जो देखते थे उसका अलग ही मौज था, लेकिन अब इस परिवर्तन के युग में इस मौज का भी आनंद लेने जा रहा हूँ और जो देखूँगा वो अभी आप सभी से शेयर करूँगा। मैं हूँ आज लखनऊ में, गोमती नगर में, और बस टिकट बुक कराने जा रहे हैं हम लोग और सिनेमा मित्रों के साथ बैठ करके देखूंगा। ये हमारे सोशल साइट्स के मित्र भी हैं और अपने जीवन के साथ भी जुड़े हैं, यदा कदा मुलाकात होती रहती है, हमेशा लगे रहते हैं लोग। तो दोस्तों अच्छा लगा और आपके शुभकामनाओं की सादर अपेक्षा करता हूँ। चलता हूँ टाकीज में और मोबाइल बंद करके कम से कम उतने देर तक तो एकाग्र होकर के बहुत कुछ सीखने, जानने और देखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद सभी के प्रति, हमारी संपूर्ण मंगल कामना। दोस्तों बहुत से लोगों ने हमारे YouTube चैनल को देखा होगा, संभव है सब्सक्राइब न किया हो। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। सभी के जवाब भी देता हूँ और हमसे बात करने के लिए भी बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा वो लोग अपना नंबर सेंड कर दें और मैं सुविधानुसार सभी से बात कर लेता हूँ, किसी को निराश नहीं करता। यद्यपि आप अपने सही नंबर का अंकन करें और मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।